उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल एक नई योजना की शुरुआत की है और जिसमें सभी को फ़ायदा मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा और ग्रामीणों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी योजना है जिसको सरकार ने लागू कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों में। तो पूरा वीडियो देखें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक काल पर यूपी के बीमार पशुधन के लिए उपलब्ध होंगे डॉक्टर। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ने 520 मोबाइल यूनिट को किया रवाना। चलिए जानते हैं 520 क्या योजना लेकर आई है योगी सरकार। आप देख सकते हैं अभी जस्ट कल की अपडेट है ये। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना पशुधन के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात है। उन्होंने कहा कि 520 मोबाइल वेनेटरी वैन आज से प्रदेश के सभी जनपद में पशुपालकों के लिए उपलब्ध रहेगी। हम लोग देखते थे कि कोई भी जानवर बीमार है तो उसे समय से इलाज नहीं मिल पाता था, किसी को उसका एक्सीडेंट हो जाता था, समय पर उसे डॉक्टर नहीं मिल पाते थे, इससे उस पशुओं का इलाज हो पाएगा। यह योजना वास्तव में उत्तर प्रदेश के पशुधन संरक्षण और संवर्धन के लिए अध्याय की शुरुआत है। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा से पिछले 6 वर्ष से हमारी सरकार ने गोवंश के संरक्षण और संवर्धन में अनेक प्रयास किए। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन हो, उनकी आमदनी बढ़े, इसके लिए तो प्रयास हो ही रहे हैं। साथ ही साथ किसान के फसलों की भी सुरक्षा के लिए पशुधन विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए जिनकी लंबी श्रृंखला है। और मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को भारत सरकार सहयोग से शुरू हुई पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत 201 करोड़ रुपये की लागत से 520 मोबाइल वेनेटरी यूनिट के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत सरकार के साथ मिलकर पशुओं के नस्ल सुधार के एक बड़े अभियान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के 6600 अधिक आश्रय स्थल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के अंदर 12 लाख गोवंश हैं जिनमें 11 लाख के संरक्षण की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठा रही है। इसी के साथ साथ बता दें आप सभी को कि इस योजना के तहत कहाँ कहाँ और किस किस जिले में रहेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी जिले के बारे में बात हुई है यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गंगा के तटवर्ती 27 जनपद में हम गो आधारित प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके तहत हम 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है इसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए हमने बुंदेलखंड के 7 जनपद को इसमें जोड़ा है। एक देसी नस्ल की गाय 1 वर्ष में 30 एकड़ खेती को विष मुक्त बना सकती है। यह कार्यक्रम भी प्रदेश में युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश लंबी उछाल लगा रहा है। केंद्रीय पशुधन मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई मोबाइल वेनेटरी यूनिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने कहा, हमारे देश आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस प्रदेश में देश ने कई मानक स्थापित किए, इस बीच अबोध पशुओं की वेदना को सुनना और आप में बहुत अहम है, मिलेगा लाभ। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि पशु उपचार पशुपालक के द्वार योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित हो रही है। सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है इस योजना। पशुपालकों को केवल उनके पशुओं से पंजीकरण का शुल्क लिया जाएगा। टोल फ्री नंबर पर कॉल के 1 घंटे के अंदर मोबाइल वेनेटरी यूनिट पशुपालक के द्वार पर पहुंच जाएगी। योजना के लिए प्रदेश को 5 जोन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा और मेरठ में बांटा गया है, जिन्हें 5 ऑपरेटर संचालित करेंगे। जनपद में सभी मिलिट्री यूनिट हाइब्रिड मॉडल पर संचालित होगा, जो देश में अपने तरह का अनूठा मॉडल है। जनपद में 50% वाहन निर्धारित रूट पर चलेंगे, जबकि 50% वाहन इमरजेंसी सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से चलेंगे। इमरजेंसी सेवाएं प्रातः 10 बजे से 8 बजे तक संचालित होंगी। वहीं निर्धारित रूट पर संचालित सेवाएं वैन प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्य करेगी। निदेशालय में स्थापित स्वीकृति कंट्रोल एवं कमांड सेंटर द्वारा सभी मोबाइल मॉनिटरी यूनिट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।
तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप सभी के पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा सरकार ने शुरू की है 520 के नाम से, और इसमें आपको हमने वीडियो में एक टोल फ्री नंबर बताया था, उस पर कॉल करके आपके पशु अगर बीमार हैं या फिर आपके पशु नहीं हैं, कोई आवारा पशु हैं, फिर भी आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो बीमार है तो इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक घंटे के अंदर अंदर एम्बुलेंस आएगी और जो भी जानवर होगा लेकर के जाएगी। तो फीमेल जिस पशुओं के लिए शुरू किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है सरकार का ये फैसला। देखते हैं कब तक ये चलता है ये नियम, तो अच्छा ही सरकार ने बना दिया। बाकी आप हमें कमेंट कर बताएं ये जानकारी कैसी लगी आपको। और कल ही जस्ट इस एम्बुलेंस सेवा को रवाना कर दिया गया है। वीडियो